ग्रीन कंस्ट्रक्शन होता हुआ जो आने वाले टाइम में 500 लोगों को एक्स्ट्रा जॉब देने वाली है। इसकी एक यहाँ बैनर लग चुका है कि यहाँ पर बैग का कारखाना लग चुका है, तो अंदर में कोई वाला बैग का कारखाना होगा। दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ बेहटा का सिकंदरपुर एरिया, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया प्लस एजुकेशन हब है। तो सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये DMI के बिल्डिंग है जो कि अपने लास्ट फेज़ में है। एक बिल्डिंग और चार बिल्डिंग इस तरीके से बन रही है जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे। और इस तरफ जितनी भी आप देख रहे हैं सब किसी न किसी कंपनी से रिलेटेड है, फैक्ट्री है, चाहे वो ब्रिटानिया की हो, EMS EME की हो, प्रमोद की हो, बैग का भी जो मैं दिखाया। और इसी तरीके से वैशाली के हाजीपुर में भी ट्रक लगी रहती है। और ये बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ पर समझिए कि रोज़गार जो है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि पहले हमें लगा था कि कम होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कंटिन्यू। और ये प्लांटेशन ये सब नया हुआ है, इससे पहले आया था तो नहीं हुआ था। और काफ़ी बड़ा एरिया में देखिए हमारा प्यारा सा NIT अपना कलर लेता हुआ। तो आने वाले टाइम में एक बेहतरीन एजुकेशन हब उस तरफ का पूरा हो जाएगा और बिजनेस हब, जॉब हब इस तरफ हो जाएगा पूरा। तो आज मैं चलूँगा अंदर तक, जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह बन रही है वो दिखाऊंगा। पहले आप DMI की बिल्डिंग देख लीजिए, जो चार में बताया था, तो दो इस तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और दो इस तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये एजुकेशन से संबंधित है और इसके पीछे भी जो है कि NIT का कैंपस बन रहा है जो लगभग 125 एकड़ में है। तो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का ये पूरा एरिया है जो काफ़ी बड़ा एरिया में है, 5 एकड़ से ज़्यादा हो सकता है। और फिर उसके बाद एक और है, ये जो रोड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता था, तो ये भी ढलैया हो चुका है। तो मैं पार्ट बाई पार्ट अलग अलग वीडियो नहीं देने वाला हूँ, मैं इसी साथ उसके बाद अभी भी ये भी शायद बहुत जल्द ओपन होने वाला है, तो नीतीश जी यहाँ भी आने वाले हैं शायद। तो इसे जो बनाने वाली है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए UGES कंस्ट्रक्शन बना रही है। और यहाँ पर गार्ड का ऑफिस वगैरह है, ये ओपन होने वाला है बहुत जल्द। पेड़ पौधा लगाया गया, प्लांटेशन लगाया गया है बहुत दूर तक। और हमारा प्यारा NIT। और ये जो खाली देख रहे हैं ये क्लस्टर से रिलेटेड है, तो आने वाले टाइम में ये NIT कैंपस खुलने वाला था लेकिन अभी तक ओपन हुआ नहीं है। इस तरफ MSME की पूरी बिल्डिंग है और पीछे में प्रमोद की भी बिल्डिंग दिखने लगी है। और एक छोटा सा क्रेन देखिए, इस तरीके से मिट्टी को समतल किया जा रहा है, जो JCB कहिए, मैं ओरिजिनल नाम नहीं जानता हूँ। और MSME टेक्नोलॉजी सेंटर पटना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट के जरिए, जो टाटा कंसल्टेंसी जो भी हो, जो डिटेल है मैं उसे दिखाने की कोशिश की आप लोगों को कि बाकी अंदर में ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसी के बगल में जस्ट ब्रिटानिया है और इस तरफ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। कुछ जगहों पर आपको बोरिंग लगेगी और कुछ जगहों पर बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ। और अभी आने वाले टाइम में ये पार्किंग वगैरह गाड़ी के लिए हर चीज़ बनाया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी बड़ा एरिया में है, तो अभी बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। और मैं पहले ही बताया कि यहाँ आने वाले टाइम में 200,000 लोगों को जॉब होने वाला है। तो आप आकर ट्राई कर सकते हैं, मेरे थ्रू नहीं है, आप आएँ, किस्मत आजमाएँ। अभी भी पीछे में यहाँ पर फर्मा वगैरह लगाया जा रहा है, तो देखिए क्या होता है। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और इस तरफ जो एक फैब्रिकेशन वाली जो बिल्डिंग थी, तो ये ऑरेंज वाला भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ आइएगा ना तो एकदम शहरों वाली फील होगी, कि एकदम लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए हैं। और हर तरफ फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज लगी हुई दिखती हुई होंगी आपको। तो और ये NIT कैंपस जो फ्रंट वाला चालू होने वाला है, तो देखिए कब चालू होता है। मैं तो आप लोगों से जुड़ा ही हुआ हूँ। इस तरफ हॉस्टल वगैरह है, जो आने वाले टाइम में जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो इसमें रहेंगे। और ये ब्रिटानिया का गेट है जो सबसे पहले अपना काम को स्टार्ट कर चुका है। और कई सारे यहाँ ट्रक लगे हुए हैं, जितने भी ट्रक देख रहे हैं वो ब्रिटानिया से ही कनेक्ट है। और हॉस्टल की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, ऐसा लगता है जैसे कि 7 तल्ले 8 तल्ले का है, दूर से देखने में लग रहा है। तो आप आइए, इस जगह को घूमने के नज़रिए से आइए, घूमिए, देखिए हमारा बिहार कितना बदल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप आएँ सिकंदरपुर एरिया में और घूमें हमारे बिहार को, देखें बिहार में क्या कुछ है।
क्या कुछ बदलाव हो रहा है। और एक खूबसूरत बिल्डिंग देखिए जो रेडी हो चुका है, अभी भी बहुत सारा इस पर कलर चढ़ना बाकी है, लेकिन बड़ा ही बेहतरीन कलर आपको देखने को मिलेगा। तो आए आप सिकंदरपुर में, घूमें हमारे बिहार को और सिकंदरपुर को, कि देखिए क्या कुछ है। NIT कैंपस वगैरह सब कुछ है, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बिहार में नहीं है, लेकिन एक्चुअल मानिए कि मेरा बिहार बदल चुका है और आने वाले टाइम में और भी बदलाव होगा। तो ब्रिटानिया के जस्ट बगल में प्रमोद का भी जो फैक्ट्री है वो लग चुकी है, अभी जो भी लोहे के स्ट्रक्चर वो खड़े हो रहे हैं। ये इसका एंट्री गेट होगा जो अभी पूरी तरीके से बंद है, हो सकता है गाड़ी वगैरह हो और आम लोगों के लिए आगे से हो, अभी इस पर नाम उम नहीं लगा है। तो बेहतरीन लाइट की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ हार्दिक स्वागत है। तो चलिए कुछ देखता हूँ कि इसके फ्रंट गेट पे क्या लिखा हुआ है, खूबसूरत सफल। तो ये भी आने वाले टाइम में ओपन होने वाला है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT बिहटा, तो बहुत जल्द इसकी ओपनिंग होने वाली है। तो ब्रिटानिया वाला वाकई लगता है कि एक फैक्ट्री है, इसे मैं देख करके भी तसल्ली नहीं होती है। इस तरफ प्रमोद वाला तो लग ही रहा है, सब इसको का भी लगने वाला था। और जो मैं पेट्रोकेमिकल का देखा है तो इसके बगल में पूरा NIT कैंपस है, तो ऐसा नहीं है। एक खूबसूरत पल आने वाले टाइम में यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड एक और बिल्डिंग तैयार हो चुका है। तो ये जो बाउंड्री मारा हुआ देख रहे हैं ये प्रमोद का है, ठीक है। तो हो सकता है मैं कन्फ्यूजन, देखिए प्रमोद का यहाँ पर है तो पीछे वाला हो सकता है सोबिस्को का हो या किसी और कंपनी का हो, तो देखता हूँ आगे चल करके। पीछे वाला जो देख रहे हैं वो सोबिस्को का है, ये किसी और कंपनी का है, जो बाउंड्री मारा हुआ है पीछे कोई और कंपनी का है और इस तरफ प्रमोद का है। तो मैं बार बार उसको जो है कि प्रमोद बता रहा था वो सोबिस्को का है। तो चलिए और देखते हैं अंदर, शायद कुछ देखने को मिले। और एक तरफ से पूरा जो है कि NIT का कैंपस है और पीछे में भी बहुत सारी बाइक की फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, मतलब फैक्ट्री से मतलब है इंडस्ट्रीज लगी हुई है। और जो ये हल्का ग्रीन और वाइट में देख रहे हैं तो ये सीड वगैरह से संबंधित है, बीज से रिलेटेड है, नर्सरी से रिलेटेड है, ये बताया गया है लोगों के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा जो बताया गया मैं वही बता रहा हूँ। वाले में एकदम धूप पड़ रहा है सामने, न तो और बेहतरीन से दिखता। मैं मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे पटना से यहाँ आने में टाइम लगता है, ये 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है और इन सब जगहों पे गाड़ी जल्दी नहीं मिलती है, पैदल चलना पड़ता है। देख रहे हैं कि कंटिन्यू मैं पैदल अपडेट दे रहा हूँ चल करके अंदर, और भाई के पास गाड़ी नहीं है। आने वाले टाइम में मैं हेल्प लूँगा आप लोगों से। और जितना दूर तक आप देख रहे हैं पीछे लगभग 600-700 मीटर, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है हर तरफ। तो एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन होता हुआ जो आने वाले टाइम में 500 लोगों को एक्स्ट्रा जॉब देने वाली है, इसकी एक फैक्ट्री और भी कहीं पे लगने वाली है। ये सोना बिस्किट का यूनिट 3 है, आप समझ सकते हैं कि और भी कहीं लगा हुआ है, इससे पहले भी दो मैं पहले भी बताया। तो उसके बाद जो है कि फिर यहाँ अंदर का है, तो अंदर में रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा तो बात की बात है। चलिए, और इस तरफ लगा हुआ है पंचकन्या नया फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्लॉट नंबर ई है वगैरह, बहुत कुछ है और पीछे भी बहुत कुछ है, मैं जितना भी दिखाऊं कम है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को हमारा बिहार बदल रहा है। देखिए आप, तो यहाँ पे भी एक फैक्ट्री लगने वाली है, यहाँ पे भी आराम से 200-300 लोगों को रोज़गार मिलने वाला है और इसमें तो 1000 लोग तो आराम से चले जाएंगे। चलिए बाहर की ओर चलता हूँ, बहुत अंदर घूम लिया। तो मैं अभी पीछे ही साइड को कवर किया हूँ, बाकी ये NIT का कैंपस है, इस तरह भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, कौन कौन सी कंपनी नहीं मालूम। ये एरिया को मैं आपको दिखाया पूरा, इस तरफ सोबिस्को और फिर एक और था नाम भुला गया, और फिर इस तरफ भी दिखाया। अब मैं चलूँगा NIT कैंपस का जो फ्रंट वाला भाग है उसका अपडेट दिखाने के लिए। तो फिर से वापस होते हुए के क्रम में मैं देखा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, तो ये अलग डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो औद्योगिक क्षेत्र का एक छोटा सा बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा मकान, तो वो अलग है। तो ये किसी चीज़ का अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके बगल में भी एक बाउंड्री मारा जा रहा है, तो वो अलग है। बाकी आगे चलता हूँ और देखता हूँ उस तरफ से कुछ। वैसे जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो फ्रंट पे ही आपको दिख जाएगा जब आप सिकंदरपुर आइएगा, जो DMI है या फिर इन्फेक्शन के लिए है या फिर NIT कैंपस है, तो दूर से ही आपको दिखने लगा कि वाकई में सिकंदरपुर बदल रहा है और बदल चुका है। बदल रहा है क्या, बदल चुका है। मैं अंदर के एरिया से बाहर चलाया, मैं अंदर के एरिया अभी तक घूम रहा था 8 मिनट तक, आप जो भी देखे 9 मिनट तक, तो आपने जो भी देखा अभी तक मैं अंदर के एरिया को दिखा रहा था। अब बाहर के एरिया को यानी DMI की तरफ आ गया हूँ, फिर NIT कैंपस का मेन एंट्रेंस जो आने वाले टाइम में एक भव्य रूप के साथ स्वागत किया जाएगा, तो उसे भी दिखाऊँगा। तो चलिए ये देखिए DMI, जहाँ पर एक एजुकेशन से रिलेटेड एक बेहतरीन हब बन रहा है, और देखिए किस तरीके की एजुकेशन इसमें दी जाती है।
तो हर संभव मैंने आपको हर जगह से हर तरह का अपडेट देने का कोशिश किया और दे रहा हूँ, और कंटिन्यूसली जब भी ये बन रहा था, स्टार्टिंग फेज था, तब से मैं दे रहा हूँ। मैं बिहार के उन जगहों को दिखा रहा हूँ जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, और जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार बढ़ रहा है तो लोगों के नज़र में आना चाहिए कि बिहार में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है, जो भी गवर्नमेंट उनके ज़रिए, तो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब जो देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये एक जॉब से रिलेटेड एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इसकी वजह से अगल बगल के एरिया को, भीटा को, बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड डेवलपमेंट मिलने वाली है। अब चलिए NIT कैंपस को दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा है। तो अब मैं NIT कैंपस के पास चला आया हूँ। जो फ्रंट गेट है, इसका दो गेट है, एक फाइनल जो गेट होगा वो इसी तरफ से होगा, और एक पीछे से मैं जो शूट कर रहा था। तो ये कैंपस है जो मैं इसका भी शुरू से ही अपडेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ कमियाँ हैं मुझ में जो ड्रोन नहीं है, और मैं आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों की ज़रूरतें पूरी करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आप लोगों के लिए बेहतर बेहतर वीडियो आने वाली है, क्योंकि डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रहा है, मैं उस हिसाब से बिहार की तस्वीर को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो ज़रूरी है वो बाइक है, तो आने वाले टाइम में उसे भी पूरा करूँगा और हेल्प लूँगा आप लोगों से। तो ये NIT कैंपस का जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो हो चुका है। जो एंट्रेंस का जो मेन गेट है, वो सब पहले से बन करके रेडी है। तो यही गेट है जहाँ से हम और आप एंट्री करेंगे आने वाले टाइम में NIT कैंपस में। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए था।